हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस मटन की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसका नाम है बीरबल की हांडी। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर ये तैयार होता है, तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। ट्रेडिशनल तरीके से इसे तांबे की हांडी में मिट्टी के चूल्हे पर बहुत ही धीमी आँच पर इसे 2 से 3 घंटे तक कुक किया जाता था, शायद इसीलिए इस रेसिपी का नाम बीरबल की हांडी है। मैं इसे कुकर में बनाऊंगी, गैस पर बनाऊंगी और ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से भी बना सकते हैं, बहुत ही ऑसम और डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। तो आइए देखते हैं बीरबल की हांडी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मटन लिया है, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसे मैंने बहुत ही बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 कप मैंने दही लिया है, और ये कुछ पाउडर मसाले लिए हैं। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और ये कुछ साबुत मसाले लिए हैं, इसमें मैंने 3 छोटे तेज़ पत्ते लिए हैं, 3 हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, और 1 छोटा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का लिया है, 3 मैंने लौंग ली है, और 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। और इसे बनाने के लिए 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए हम मटन में सारे पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और दही ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मटन में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो कम से कम 1 घंटे तक इसे मैरिनेट करने के लिए ज़रूर रखिए। तो इसे ढककर 1 घंटे के लिए रख देंगे। ये हमारा मटन मैरिनेट हो गया है, इसे मैरिनेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम कुकर में 1/4 कप ऑयल डालेंगे, जब आटा तेल गर्म हो जाएगा तो उसमें साबुत मसाले ऐड कर देंगे और इसे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। ये हमारी प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा था वो सब इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक मसालों से तेल सेपरेट नहीं हो जाता और मटन और मसाले अच्छी तरह से भून नहीं जाते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। ये हमारे मटन अच्छी तरह से भून गए हैं, इसे भूनते हुए 5 से 7 मिनट लगे हैं। मैंने गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखा था। ये हमारे मसाले मटन के साथ बहुत ही अच्छी तरह से भुन गए हैं, मसालों से तेल सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर हम इसमें एक प्रेशर आने देंगे, फिर हम गैस की फ्लेम लो करके इसे 12 मिनट तक कुक करेंगे। फिर गैस की फ्लेम ऑफ करके हम कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। ये हमारे मटन को कुक हुए 12 मिनट हो गए हैं, कुकर अपने आप ठंडा हो गया है और इसका प्रेशर रिलीज हो गया है। अब आइए इसे खोल कर देखते हैं। ये हमारा टेस्टी डिलीशियस बीरबल की हांडी बनकर तैयार हो गया है। आप चाहे अगर आपको भुना हुआ पसंद है तो आप इसे वापस से गैस की फ्लेम पर रख के इसे भून कर सुखा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेवी वाला ही रखूंगी। तो हमारा ये टेस्टी डिलीशियस बीरबल की हांडी बनकर तैयार हो गया है, आइए इसे सर्व करते हैं। ये हमारा डिलीशियस बीरबल की हांडी बनकर तैयार हो गया है, इसे आप हरी धनिया से गार्निश कर दीजिए। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ये बनकर तैयार होता है। इसे आप नान के साथ सर्व करिए, रुमाली रोटी के साथ सर्व करिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है खाने में। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने फैमिली और फ्रेंड को खिलाएं। अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।